आत्मा सोल पॉइंट ऑफ लाइट ज्योति स्वरूप है और परमात्मा वह भी पॉइंट ऑफ लाइट ज्योति स्वरूप है। तो परमात्मा ज्योतिर्बिंदु है। भारत में इसकी पूजा ज्योतिर्लिंग के रूप में होती है। ज्योतिर्लिंग माना ज्योति स्वरूप। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं और इन सभी ज्योतिर्लिंगों के नाम अलग अलग हैं, कर्तव्यवाचक हैं, गुणवाचक हैं। तो वह सुप्रीम सोल परमात्मा जो ज्योतिर्बिंदु है उसका नाम है शिव या सदाशिव। कहा भी जाता है शिव देवादिदेव है। कहते हैं ना देवादिदेव महादेव, माना देवों का भी देव महादेव। श्री रामचंद्र जब रावण से युद्ध करने निकल पड़े, वे जानते थे रावण के पास जो शक्ति है वह रावण ने शिव से पाई है। इसलिए रामेश्वरम में राम ने शिव की आराधना की, शिव की पूजा की और शिव से शक्तियां प्राप्त की, ताकि वह रावण के पास जो शिव की शक्तियां हैं, शिव के शक्ति के आधार पर वह रावण को, रावण के ऊपर विजय प्राप्त कर सके। रावण के पास शिव की शक्ति थी, इसीलिए राम जी ने भी शिव की आराधना की और शक्ति प्राप्त की ताकि वो रावण का संहार कर सके। बिल्कुल। तो जैसे हिंदुओं में मान्यता है कि भगवान ज्योतिर्लिंग है, पॉइंट ऑफ लाइट है, वैसे इस्लाम में कहते हैं नूरे इलाही, अल्लाह नूर है, पॉइंट ऑफ लाइट है। क्राइस्ट ने क्या कहा? क्राइस्ट ने कहा आई एम सन ऑफ गॉड, और गॉड कौन है? गॉड इज पॉइंट ऑफ लाइट। क्राइस्ट ने ये नहीं कहा कि आई एम गॉड, पर उसने कहा गॉड इज लाइट। इसलिए चर्च में भी कैंडल जलाई जाती है, लाइट जलाई जाती है। गुरु नानक ने कहा एको ओंकार, माना उसने भी कहा गॉड इज लाइट। पारसियों का भी कहना है गॉड इज लाइट, ज्योति स्वरूप है। बुद्धिज्म में भी माना जाता है भगवान ज्योति स्वरूप है, पॉइंट ऑफ लाइट है। इस प्रकार हम देखते हैं सभी धर्मों की मान्यता है कि गॉड लाइट है, ज्योति स्वरूप है। तो अगर हम देखें परमात्मा जो ज्योति स्वरूप है, अगर हमें उसका परिचय पाना हो, तो हमने देखा परिचय में हम कहते हैं मेरा नाम यह है, मेरा पता यह है, मेरे गुण ये हैं, मेरा कर्तव्य यह है। तो गॉड परमात्मा का परिचय क्या हुआ? परमात्मा का नाम शिव है। परमात्मा का धाम एड्रेस परम धाम है। परमात्मा की क्वालिफिकेशंस गुण, वह सातों गुणों का सागर है, पवित्रता, शांति, प्रेम, आनंद, सुख, ज्ञान और शक्ति, इनका सागर है। वह सर्वशक्तिमान है और उसका कर्तव्य क्या है? दुखों की दुनिया का परिवर्तन करके सुखों की दुनिया की रचना करना। तो हमने देखा आत्मा एक ज्योतिर्बिंदु है, पॉइंट ऑफ लाइट है, गुण स्वरूप है, और परमात्मा वह भी पॉइंट ऑफ लाइट है, वह भी ज्योति स्वरूप है, पर वह गुणों का सागर है। और आत्मा और परमात्मा के मिलन को, आत्मा और परमात्मा के जोड़ को
आत्मा और परमात्मा के योग को ही राजयोग कहते हैं, इसे ही मेडिटेशन कहते हैं।